इस सामाजिक न्याय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक बड़े भाई श्री दीनानाथ चौधरी जी, हमारे इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज माननीय श्री सभाजी के यादव जी, मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी और सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार यादव जी, आदरणीय श्री राम नारायण कुशवाहा जी, पूर्व विधायक चौधरी मुसाफिर बिंद जी, डॉक्टर आर के यादव जी, डॉक्टर इकबाल साहब और तार बाबू, मंच पर उपस्थित मंचस्थ अन्य सभी सम्मानित और समय को बचाते हो चुकी बैठे हुए आधे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से नाम सहित जानता हूँ। सभी उपस्थित साथियों, मैं इस बलिया की ऋषियों मुनियों क्रांतिकारियों की धरती पर, शहीदों की धरती पर मैं अपने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन खैर मकदम करता हूँ। मैं समय नहीं लेना चाहता इसलिए कि जो सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले यह सम्मेलन हो रहा है इसमें हमारे तमाम वरिष्ठ लोग आए हैं, हमारे बीच में जज साहब हैं, हमारे बीच में विधायकगण हैं, जो इसके बारे में और गंभीरता से अपने बातों को रखेंगे। लेकिन बैठे बैठे मैं इस आयोजन को देखते और सुनते हुए, हमारे बीच में वीडियो साहब भी बैठे हैं, मैं वीडियो साहब को बधाई देता हूं कि आप सरकारी नौकरी में रहते हुए और इसी जनपद में आपने इतना दिलेरी के साथ मंच पर आकर के जो बात को रखने का काम किया है वो बधाई के पात्र है। निश्चित रूप से ऐसे नौजवानों को चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, हिम्मत के साथ समाज के लिए खड़ा होना चाहिए, मूल के लिए खड़ा होना चाहिए। माननीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथिगण, या जनपद या जिस स्थान पर हम बैठे हैं 1942 में इसी स्थान से स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, आजादी की घोषणा हुई थी। जब अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत माता के पैरों में दास्ता की बेड़ियां थी, पूरे हिंदुस्तान का कोई नौजवान आगे नहीं बढ़ रहा था। हमें फख्र है इस बात का किसी धरती का नौजवान 1857 में अंग्रेजों के सीने पर सबसे पहले गोली चलाने का काम किया था और 1942 में इसी जनपद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जातियों और धर्मों ने मिलकर के लड़ाई लड़ते 14 दिन तक राज सत्ता पर बैठने का काम किया था। यह देश का एक इतिहास है इस जनपद का। वैसे जनपद में इस क्रांतिकारी भूमि पर आप सभी का, आए हुए अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं सोच रहा हूं हमारे मनोज यादव जी ने और हमारे बीडीओ साहब ने, सारे वक्ताओं ने बड़े अच्छे तरीके से मंडल आयोग पर बोला। आरक्षण पर जो बातें रख दी गई मैं समझता हूं कि अब उसमें जाना ठीक नहीं है, समय लगेगा। बीपी मंडल ने मुरारजी देसाई की सरकार में आयोग, मंडल आयोग बना, रिपोर्ट आई 27% आरक्षण हुआ, देश जलने लगा। ये सारे घटनाओं को हम लोगों ने देखा। देश की आजादी की लड़ाई में 95% पीड़ितों और गरीबों को बेटियों ने बलिदान दिया था, शहीदों का सपना था,
देश की आजादी में जिन शहीदों ने भारत को आजाद करने का काम किया, उनका सपना था कि जब भारत आजाद होगा तो इसमें रहने वाले किसी जात और धर्म और मजहब के लोग, शोषित पीड़ित दलित, सारी सुविधाएं उनको मुहैया होंगी। शहीद जब शहादत दिए तो उनकी आत्मा बोलती है, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जिन शहीदों ने हमको आजाद भारत के रूप में हमारे हाथ में दिया, जिन्होंने एक सपने के साथ के इस देश को संभाल के रखना, कितना संभाल के इस देश को हमने रखा। मुझे दुख होता है कि आजादी के इतने लंबे समय बाद भी हम अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए बैठ करके बात कर रहे हैं। शहीदों के सपनों को याद रखते हुए अगर देश नहीं चलाया गया, समाज टूटेगा, लड़ेगा, मरेगा, विसंगतियां पैदा होती रहेंगी। शहीदों ने खून को खून लिखा, खून को खून लिखा, पानी को पानी लिखा, खून को खून लिखा, पानी को पानी लिखा, वतन के नाम जिन्होंने अपनी जवानी लिखा। हमको याद रखना चाहिए शहीदों के उन अरमानों को जिन्होंने अपने लहू के कतरों से हिंदुस्तान की कहानी लिखा। उसको हम अगर भूलते गए, निश्चित रूप से यह देश कभी न आगे बढ़ेगा, न समानता का देश बढ़ेगा, न समता मूलक समाज बनेगा। मैं बधाई देता हूं उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को, मनोज यादव सहित इस आयोग मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, जिन लोगों ने आयोजन करके एक समाज में जनचेतना पैदा करने का काम किया है। निश्चित रूप से समय समय पर जब भी विसंगतियां होती हों, समाज के अंदर कहीं पर कमी हो, गिरावट हो, निश्चित रूप से हमको आगाह होना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। हमारे सामने जो पर्चा छपा है उसमें लिखा है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, दलितों पिछड़ों का आरक्षण, बेरोजगारी दोहरी शिक्षा नीति, शिक्षा का व्यवसायीकरण, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। मैं दो दिन से मंडल आयोग को पूरा पढ़ा, मैंने स्वामीनाथन आयोग को पढ़ा कि कृषि पर जो स्वामीनाथन आयोग बना उसने क्या कहा, देश में सीमाओं की रक्षा जवान करता है और देश के अंदर इस देश की रक्षा किसान करता है, लेकिन किसान और खेती पर किसी सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। निश्चित रूप से इस मंच पर यह बात आनी चाहिए, मांग उठनी चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी इस देश में लागू हो, ताकि इस देश को चलाने वाला किसान समृद्ध हो सके। पूरी रिपोर्ट को नहीं बोल सकता, समय नहीं है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट को कहा गया मुसलमानों की बेहतरी के लिए जस्टिस सच्चर आयोग, राजेंद्र सच्चर के निर्देशन में आयोग का गठन हुआ, वह रिपोर्ट नहीं लागू हो सकी, इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन निश्चित रूप से यह कहूँगा कि जो दोहरी नीति है, मैं जज साहब से शाम को कहा कि हमको बहुत कचोटती है दोहरी नीति, इसलिए नहीं कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में तालीम नहीं देता, मैं तो देता हूँ, कन्वेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, गली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन सोचिए कि एक ही जगह से एक आदमी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ले जाने का काम करता है और वहीं पर चमचमाती गाड़ी आती है और मोजा टाई और ड्रेस पहनकर एक आदमी अपने बच्चे को बस पर बैठाता है, क्या गुजरती है उस बाप पर जो अपने बेटे को आर्थिक अभाव में प्राइमरी स्कूल में भेजने का काम करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को।
जिन्होंने देश की आजादी के इतने लंबे समय बाद भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई और लोग कॉन्वेंट स्कूलों में मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के पीछे आज भी भागने को तैयार हैं। वो समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल में चपरासी पैदा होगा और कॉन्वेंट स्कूल में अधिकारी पैदा होगा और ये सरकारें देखती हैं, हम देखते हैं, आप देखते हैं और कोई क्रांति नहीं होती, कोई बगावत नहीं होती, कोई आवाज नहीं उठता। यह भी निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है। इसको यही छोड़ते हुए अंत में यह कहते हुए कि राजनीति का प्राधिकरण किसने दिया, जैसा राजा वैसी प्रजा, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ नाम लूंगा उन लोगों को जिनको मैंने नजदीक से देखा है कि राजनीति का प्राधिकरण किस तरह से किया जा रहा है और अपनी कुर्सी को किस तरह से ठीक किया जा रहा है और उसके हम लोग खुद शिकार हुए हैं। देश और मुल्क से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी के मतलब में उन्होंने कौन कौन से बुरे कारनामे अधेरे और दिन में किया है। अगर समाज के सामने निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि इसको समय हो तो रखा जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो समाज में का अपराधीकरण करने, राजनीति का अपराधीकरण करना चाहते हैं, समाज को बेचते हैं, ऐसे लोगों को समाज पर नंगा करके उनको राजनीति के मुख्य धारा से हटा देना चाहिए। चूंकि समय नहीं, हमारे सामने चीट आ गई, मैं न बोलूं। मैं अंत में अपने सभी अतिथिगण का और माननीय जज साहब का इस बात के लिए स्वागत अभिनंदन करते हुए कि अगर बुद्ध राज परिवार में संसाधनों में रह करके खा करके मर गए होते तो वो बुद्ध नहीं बनते। दुनिया उनको नहीं जानती, लेकिन बुद्ध ने अपने जुआ पत्नी और गोद के बच्चे को छोड़ करके राजमहल से निकल के समाज में चल करके और तत्समय की विसंगतियों को दूर करने का काम किया था और इस तरह से देश में बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने का काम किया था। माननीय जज साहब, आप बहुत आराम से रह सकते हैं, बहुत बढ़िया से खा सकते हैं, संसाधनों से चल सकते हैं, लेकिन यह उससे समाज और मुल्क नहीं बनेगा। आपने समाज और मुल्क बनाने के लिए जो कसम खाई है, समाज में निकल करके जो चलने का काम किया है, आपके उस कर्म को, उस जिज्ञासा और आशा को नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।